हाँ बताओ तनी टेस्ट करके। हाँ सबसे फूडी मैन देख सकते हो, दो तरह का आदमी है, एक जैसा शरीर का, लेकिन इनसे बता सकते हैं थोड़ा। बताइए कैसा लगा, सबसे फूडी मैन है आप सुने। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज मैं हूं रांची में और मैं फिर से जाने वाला हूं एक ट्रिप पे, तो ट्रिप आपको चल के बताएंगे। और मेरे साथ बहुत कोई जाने वाला है, ठीक है, भैया लोग के साथ मैं जाने वाला हूं फिर से, बाय रोड ट्रिप करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहे, और चले नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, आपको ट्रिप में बहुत मज़ा आएगा और बहुत इन्जॉय करने आएगा। तो चलिए चलते हैं, तो लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग एक जगह पे स्टे किए हैं, ठीक है, आप लोग पीछे कार देख सकते हो। अभी हम लोग चौपारण घाटी पार करके जस्ट बिहार एंटर करने, बिहार बॉर्डर से पीछे अभी हम लोग जस्ट रुके हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद अगेन ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं क्योंकि शाम हो चुका है, और उसके बाद अगेन ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो पहले कुछ खाते हैं, ठीक है। मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, लिटरली बहुत बारिश हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग खा हो चुके हैं, ठीक है, पूरा बारिश आपको दिख रहा है। ये हम लोग बिहार बॉर्डर पे हैं, ये बारिश हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कार में बैठेंगे और सीधा निकलेंगे काश, ठीक है। तो चलिए आपको चल के पता चलेगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, ठीक है, और सीधा चलते हैं कार में। देख रहे हो कार यहाँ पर खड़ा है, कार में बैठते हैं और सीधा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। बारिश का तो सीन ही नहीं दिख रहा है। बोलते बोले जाना था। तो गाइस ये देख सकते हो बारिश, अब हम लोग चारों ओर से घिरा चुके हैं बादल और बारिश के बीच में। फाइनली आपको मैं बता दूं मैं कहाँ हूँ अभी। तो मैं हूँ वाराणसी बनारस में, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये हमने होटल ले लिया है, ठीक है, अभी रात अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे पूरा शाम हो चुका है। हम लोग जल्दी से फटाक से हम लोग होटल लिए हैं, ठीक है, अपने होटल के बालकनी में हूँ मैं, आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ बनार। तो गाइज ये देख लो हमारा होटल से एकदम सीधा एकदम रोड है, एकदम सीधा जाएंगे तो सीधा हम लोग का मंदिर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट फटाक से आए, हम लोग बहुत लेट हो गया था, हम लोग नहा हुआ के रेडी हो गए। तो चलिए सीधा चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं, संध्या आरती भी दिखाएंगे आप लोगों को और अस्सी घाट भी जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, ब्लॉग में बने रहे गाइस, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते, ठीक है। तो चलिए मैं सुनता। तो गाइस ये देख सकते हो मैं अगेन वाराणसी आ चुका हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आप देखो गाइस, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, भीड़ देख रहे हो संध्या आरती के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है संध्या आरती का, ठीक है। आपको पीछे इतना ज़्यादा भीड़ दिख रहा हो क्लाउड, तो हम लोग सीधा चलते हैं संध्या आरती करने के लिए, ठीक है, और आपको वहाँ पे चल के दिखाएं, आपको दिखाएं कितना ज़्यादा क्लाउड है। चलिए सीधा संध्या आरती के लिए चलते हैं। गाइस हम लोग अब आ चुके हैं, देख लो पूरे जहाँ से पूरा फॉरेन लगता है कि यहाँ पूरा फॉरेन है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा संध्या आरती, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो पापा का परीलोक से भी बचना पड़ रहा है, तो चलिए सीधा चलते हैं संध्या आरती के लिए। मैंने पहला ब्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों को बनारस वाला यहाँ का व्यू, तो चलिए सीधा संध्या आरती के पास मिलते हैं आप लोग से, ठीक है गाइस। तो सीधा संध्या आरती पास देख लो, हम लोग यहाँ आ चुके हैं संध्या आरती के लिए, ठीक है। आपको भीड़ दिख रहा होगा यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड है, बहुत क्लाउड है, देख रहे हो आरती हो रहा है। तो फटाक से हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। काफ़ी सीढ़ी भी है, उतरना पड़ रहा है देख के। तो देख लो उधर आरती हो रहा है, तो चलो फटाक से पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको ब्लॉग को कंटिन्यू करके दिखाते हैं।
हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आरती हो रहा है, ठीक है। संध्या आरती दिख रहा होगा आपको, संध्या आरती, ठीक है। उधर बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज्यादा, सारा नाव बुक हो चुका है उस साइड। तो हम लोग अभी 80 घाट जाएंगे बुक करके, तो वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस साइड हम लोग नहीं आ पाए नाव के कारण। तो हम लोग अभी यहीं से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, 80 घाट का ये व्यू संध्या आरती का। अभी हम लोग नाव ले चुके हैं, ठीक है। मेरे पीछे देख रहे हो भैया लोग सब जा रहा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। मणिकर्णिका घाट भी जाएंगे जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद 80 घाट चलेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, हमारा बोट निकल चुका है, देख सकते हो ये है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 80 घाट, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे संध्या आरती हुआ था, ठीक है, पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा 80 घाट की ओर, ठीक है। तो 80 घाट जा रहे हैं। देख तो गाइस यहाँ पर भी देख लो आरती हो रहा है। अभी हम लोग 80 घाट जाएंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है, तो 80 घाट का आपको ब्लॉग दिखाएंगे, ठीक है। बहुत मतलब मज़ा आता है 80 घाट में। लहरें देख सकते हो, पानी की लहरें कितनी खूबसूरत लग रही है रात में। घाट पहुंचने वाले हैं, वहाँ काफी ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आपको यहीं से दिख रहा होगा। और देख सकते हो ये लाइटिंग वाला जो बलून होता है वो भी आकाश में उड़ाया जा रहा है। तो चलिए आपको 80 घाट का वर्णन कराते हैं, ठीक है। तो 80 घाट अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं और आपको 80 घाट का वर्णन कराएंगे। वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है गाइस 80 घाट का, ठीक है। तो हम लोग जस्ट 80 घाट पहुंच गए हैं, आपको दिखाते हैं चल के वहां से सामने से, ठीक है गाइस। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये देख सकते हो 80 घाट, ठीक है, क्या प्यारा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से, क्या प्यारा लग रहा है व्यू। तो आते हो 80 घाट का ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट देख लो। अभी हम लोग 80 घाट से अब जस्ट निकल गए, अब हम लोग सीधा चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बस यही है 80 घाट, बस लास्ट है वाराणसी का। और आओ जब भी आओ बनारस तो 80 घाट का वर्णन जरूर कर लेना गाइस, बहुत शांति मिलेगा आपको। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति की, और जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, मणिकर्णिका घाट। देख लो सबसे लास्ट में हम लोग को जाना है वहाँ पे मणिकर्णिका घाट। तो चलिए आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं, यहाँ तक का आपको पूरा ब्लॉग देख लिए हो, तो अब सीधा वहाँ का दिखाते हैं, चलिए, ठीक है गाइस। गाइस एक चीज़ देख सकते हो, ये पानी के बीच में पूरा होटल है, ये जो रिजॉर्ट जैसा होटल, तो ये पूरा पानी के बीचों बीच है, ठीक है गाइस। और इसका वन डे का कॉस्ट है तो गाइस इसका एक दिन का जो कॉस्ट है ना वन डे का रेंट 5500 और 6000 है, ठीक है। 6000 में थोड़ा ज़्यादा लग्जेरियस है और 5500 में थोड़ा सा मीडियम है, बाकी एसी सब में है, सब में एसी प्रोवाइड मिलेगा आपको। और बहुत प्यारा लोकेशन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपको दिख रहा होगा। चेक करो ये व्यू, दिस सो अमेजिंग गाइस, दिस इज सो अमेजिंग व्यू। यही है मणिकर्णिका घाट, ये देख लो जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलिए अभी आपको सामने से चल के दिखाते हैं, अभी हम लोग बस थोड़े से दूरी में है और आपको सामने से इसका व्यू दिखाते हैं। इसको क्या बोला जाता है भैया? अच्छा, चेक आउट दिस व्यू गाइस, मणिकर्णिका घाट जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति। महादेव पते हर हर महादेव।
तो यही है गाइस मणिकर्णिका घाट जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधा कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं और कुछ आपको व्यू दिखाते हैं बनारस का। ठीक है, तो गाइस बाहर निकल चुके हैं हम लोग, देख सकते हो। ठीक है, अगेन आपको एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि जो बाहर निकलने के बाद हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, और बहुत फेमस है। अगेन आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इस ब्लॉग में, क्योंकि हमें जाने का बहुत मन था, ठीक है। तो गाइस चेक करो, ये भीड़ देख सकते हो, काशी चाट भंडार देख रहे हो, बहुत भीड़ है। हम लोग ना यहाँ मतलब जाके भैया से बात नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो चाट मंगाते हैं और उसी को ट्राई करते हैं, वही आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर मिलता है भैया से बात करेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। चेकआउट गाइस, काशी चाट भंडार, कितना ज़्यादा भीड़ है, क्राउड देख सकते हो गाइस कितना है, कितना ज़्यादा भीड़ है देख लो। यहाँ काम का रफ्तार दिख रहा है, देख सकते हो आपके सामने। आपको यहीं से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, टमाटर चाट जो बन रहा भाई, क्योंकि इस बार तो भैया से बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हो, वो टमाटर चाट का रेसिपी है। ठीक है, वो टमाटर चाट बन चुका है, तो और यहाँ देख सकते हो टमाटर चाट आ चुका है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा टेस्ट। ठीक है, भीड़ है, ठीक है, हम लोग पालक टमाटर चाट ट्राई कर लिए। ठीक है, आपने पिछला ब्लॉग में भी तो देखा है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे जगह पे। ठीक है, तो वो रेसिपी आपको जरूर दिखाएंगे और दूसरी चीज का ब्लॉग जरूर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देख रहे हो खाए हैं, मुंह में लगा हुआ है, तो आगे चल के हम लोग खाते हैं, जो भी डिश ट्राई करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, हम लोग जस्ट पान खाने आए हैं, तो ये पान देख सकते हो, तो अभी हम लोग ये पान ट्राई करने वाले हैं। और भैया थोड़ा दुकान के बारे में बता दी, कहाँ पे, गोदलिया चौक ना? अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है आपका दुकान? 12:30-12:30। ओके, तो गाइज ये पान देख सकते हो, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा। मैं पान अभी नहीं खाऊंगा, बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट काशी चाट भंडार देख रहे हो उसके सामने में, तो यहाँ पर भी जरूर ट्राई कर लेना, मीठा पान है। ठीक है, तो चलिए अब लोग चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। ठीक है, करो अभी हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे डोमिनोज ट्रेंड्स के जस्ट बगल में, ठीक है, फूड जोन, यहाँ पे हम लोग मैगी खाने के लिए रुके हैं। गदौलिया का पान खा के कैसा लगा ला? अच्छा, बड़ी मजा आया। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं खाए थे, फूड जोन के पास सामने में यहाँ पे हमारा मैगी स्टॉल है। ठीक है, तो एक ही मैगी हम लोग बनवा रहे हैं, वो आपको टेस्ट और ट्राई करके बताते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, तो अभी मैगी हम लोग का बन रहा है। ठीक है, आपको यहीं से दिखा सकता हूँ मैं, कि देख सकते हो शॉपिंग हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैगी बन रहा है, तो वहाँ बनने देते हैं, उसके बाद हम लोग मैगी को टेस्ट करके बताएंगे। ठीक है, हमारा बर्गर आ चुका है, देख सकते हो, और हाँ बतावा तनी टेस्ट करके। हाँ, सबसे फूडी मैन देख सकते हो, दो तरह का आदमी है, एक जैसा शरीर का, लेकिन इनसे बता सकते हैं, थोड़ा बताइए कैसा लगा, सबसे फूडी मैन है आप, सुने है। ये हमारा मैगी आ चुका है। ठीक है, अब बारी है इसको ट्राई करने का। मैगी फूड जॉन, और ये रहा इनका मैगी, तो इसको अब टेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं दूसरे डिश में। तो मैगी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट चेक, हम लोग नॉन स्टॉप कब से खा ही रहे हैं, इसको भी ट्राई करके बता ही दीजिए। जय बाबा, चलो भैया, हर हर महादेव। कैसा लगा? सही है, पर थोड़ा नमक कम है। कम है ना, तो गाइस अब इसको मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, दूसरे डिश के और। अभी हम लोग रूम आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। ठीक है, तो हम लोग अब रूम आ गया, तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगेन महादेव के पास आए हैं हम लोग, ठीक है, वाराणसी में आए हैं अगेन, तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और एक बार मैं आपको
रात का व्यू दिखा दो जहाँ पे हम लोग रूम लिए हैं, ठीक है। मेरा रूम है इसका, ये जो बालकनी है, मैं बालकनी में आके शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से आपको नज़ारा दिख, बहुत मतलब चहल पहल रहता है, ठीक है। रात रात के अगर तुम आप देखोगे तो, मैं पिछले बार आया था तो 2-3 बजे तक हम लोग घूम रहे थे, तो बहुत चहल पहल था, देख रहे हो कि। और यहाँ से सीधा हम लोग का मंदिर जाने का रास्ता है, सीधा एकदम, ठीक है गाइस। तो आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है। जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल गाइस।